Okay, we're at the Gandhi Road fire station opposite Inamula building on 27th October 2012. Today is Bakra Eid. Here's the team, six people and me. Right opposite you can see the Shalimar Hotel Lane. That's where all the butchery happens. It's been prohibited by the Supreme Court. We're here to collect evidence. It's quite interesting that no animal so far has been slaughtered on the road. Normally, on other years, it's been observed that animals are slaughtered on the road. We're waiting for the police to come so that we can enter the building. The entire area behind the building has never been raided by anybody other than people for animals before. Hello. हाँ बताइए. हाँ आ जाइए. हाँ 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 शालीमार होटल की गली. सब ठीक ठाक है जी. धन्यवाद.
गाड़ी आती है, चली गई कहाँ? शायद अंदर है, चली गई। देखो पता करो है कि नहीं, भाग के देख क्या नहीं है। और उसे रिक्शा जाता है, रिक्शा अलग से जाता है। हाँ रिक्शा अलग है, वो अलग रिक्शा है। रिक्शा है कहाँ है? अभी अंदर ही भर रहा है वो। पूछे किसी से कि नगर निगम की गाड़ी चल गई कि लगनी चाहिए गाड़ी बहुत खराब। अभी तो जरूरत है साहब, अभी तो जरूरत है, अभी जरूरत है बेटे, अभी आपको यहाँ जरूरत की चीज़ है। गाड़ी अगर और लग जाएगी तो ये जो यहाँ खून पड़ा हुआ है ना, ये सब उसी में भर देंगे, ये सब इसका इलाज है जो वो सब भर जाएगा उसमें। आप देना उन्हें फोन कर दो, आपको तो पहले से आ जाएंगे साहब। हम कुर्सी लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं कुर्सी आपके लिए ले। रिक्शा में भी भेजते हैं अलग से कूड़ा? नहीं नहीं कोई रिक्शा में कहाँ ले जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। वही DVWM की आती है जी, वही उसकी बोर्ड की गाड़ी आती है, बोर्ड की गाड़ी आती। इसको सफाई की तो जरूरत है यहाँ जी। हाँ आपकी बात बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है जी। तो ये नाली कहाँ जाती है? ये नाली उधर जाती है। नहीं आखिरी में कहाँ जाते? आखिर में उधर उधर एक और नाला बह रहा है इन मकानों के नीचे, उसमें चली जाती है। इन मकानों के नीचे क्या नाला? ये किस में जाता है? ये फिर वो तो आवाज़ निकल गया बाहर रोड से। हाँ जी यहाँ सफाई अच्छी मेंटेन हो ना, आप लोगों को रहने में भी ठीक रहेगा। अच्छा जी ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ भाई, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ की सफाई का थोड़ा जी ध्यान रहेगा। सुबह तो हमारे थे गाड़ी थी जी, आप भी वहाँ आ जाएंगे, अभी आए थे वो आपकी गाड़ी वाले, वो अब हो जाएगा वहीं हो जाएगा। अभी तो फायर अधिकारी भी है ना, मगर मेरे हाँ हाँ उसे भिजवा दियो, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि भर भर के इसका इसका देखिए बीच में तीन टाइम गाड़ी आए तब कहीं जाके सफाई होगी। लो अंदर तो रिक्शा होगा ना, नगर निगम वाला थोड़ी ना है वो रिक्शा। रिक्शा है कि अंदर? आप बता रहे थे कोई रिक्शा अंदर है अभी? कोई किसी का प्राइवेट है या सरकारी है? नहीं नगर निगम की तो DVWM आती है ना।
जो गाना बजाते हुए आती है वो होती है नगर निगम। तो जो रिक्शा है वो प्राइवेट लगाया है आप लोगों ने? आप लोगों की अपने रिक्शा है ना, कहाँ पे फिकवाते हैं आप उस रिक्शा से? कौन सा? नगर निगम का डब्बा? नगर निगम का जो आता है ना, कौन सा जो अंदर आता है मार्केट में? गाड़ी वो, हाँ उसी में डलता है। अब बताओ अगर प्राइवेट रिक्शा लगवाना पड़ रहा है नगर निगम को, ज्यादा इंतजाम करना चाहिए इसका मतलब? चल, दिस रिकॉर्डिंग हैज स्पेशली बीन मेड फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर लक्ष्मी नारायण मोदी वर्सेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक जगह है इनामुल्ला बिल्डिंग, गांधी रोड देहरादून पर। इस बिल्डिंग के तमाम एरिया में चारों तरफ स्लॉटर हाउस है जो कम्प्लीटली इलीगल है। आज 27 अक्टूबर 2012 है, यहाँ पर भयानक रूप से भैंसे कट रहे हैं। हमने सुबह से तमाम पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन कर दिया, 4 दिन का नोटिस दिया हुआ था, एक कांस्टेबल की भी हिम्मत नहीं हुई हमारे साथ आने की। फ्रॉम पीपल फॉर एनिमल्स एंड फ्रॉम द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, आई एम गौरी मौलिकी। हमारे साथ हैं महत्व गुरुम जो पीपल फॉर एनिमल्स के मेम्बर हैं, न्यूज़ विद अस, और विजय मेहर जी ही इज़ अ मेम्बर विद द पीपल फॉर एनिमल्स। ये पत्रकार हैं अमर उजाला से। हम सब अंदर गए मगर किसी अधिकारी की, DM, SSP, DGP, चीफ सेक्रेटरी तक की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमें एक कांस्टेबल प्रोवाइड कर पाते। इट्स क्वाइट शेमफुल कि ये शहरी क्षेत्र में बिल्कुल सबके सारे अधिकारियों के नाम के नीचे एक इतना गंद का अड्डा मचा हुआ है यहाँ पे, और कोई अधिकारी इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है। इट इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड वी वॉन्टेड टू स्टॉप। डीजीपी उत्तराखंड के यहीं 100 मीटर पर इनका ऑफिस है और उसके बगल में SSP का ऑफिस है और वहीं पर DM देहरादून बैठते हैं और नगर निगम के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो भी यहीं बैठते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे खुलेआम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ब्रूटल वे से ऐसे कट रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़कों पर अभी सब पकड़े बिक रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इलीगल है और इलीगल जगह से इलीगल तरीके से बहुत ही अनमेंशनेबल वे में बहुत ही गंदा मचा हुआ है इधर, इसको मेंशन करना ही बहुत ही अपने आप में बहुत ही घिनौना काम है। एक्चुअली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।